गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट मैथ क्लास सेवन. ओके, क्लास सेवन की मैथ की बुक है. लेट्स प्रैक्टिस 8.1. चैप्टर एट है आपका. सेवन हमने कंप्लीट कर लिया है. चैप्टर एट है आपका लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, चलिए इसको देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक द रिजल्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 + 7y = 29. ओके, तो चलिए इसको कैसे आप सॉल्व करोगे देखते हैं. 8 + 7y = 29. तो इसमें आप क्या करोगे, जो आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं है ना, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे. ओके, -8 सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस, दोनों साइड में आपको -8 करना है. ओके, 8 को माइनस करना है. आपने यहाँ पे प्लस -8 है तो आपने इसको कैंसिल कर दिया. यहाँ पे 7y = क्या बच रहा है, 29 से आपने 8 को माइनस किया तो 21. अब यहाँ आप देखिए, 7 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7 कट जाएगा, जो यहाँ पे रहता है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है. ओके, डिवाइड करोगे दोनों साइड में आप, और इस तरीके से लिखोगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 7. तो 7y / 7 = 21/7. तो ये 7 and 7 कट जाएगा, एंड 7 1 7 and 7 3 = 21. तो y = क्या मिला आपको, 3 मिला. तो आप वेरिफिकेशन करोगे आप उसका LHS जो आपको दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड 8 + 7y है ना. तो y के प्लेस में आपको क्या रखना है, 3 रखना है. तो यहाँ पे 7 3 = 21 एंड 8 + 21 को आपने प्लस कर दिया तो 29 = RHS. तो देखिए यहाँ पे 29 दिया है इक्वल में. इट मीन्स ये जो है क्या है, दस द ऑब्टेंट रिजल्ट इन करेक्ट. ओके, ये जो रिजल्ट आया है वो हमारा करेक्ट है, सही है. ओके, LHS = RHS. सेकेंड क्वेश्चन दिया है आपका 12x + 24 = 46. आपको इसमें जो ये नंबर्स दिए गए हैं उसको सब्ट्रैक्ट करना है दोनों साइड में, 24 and 24. यहाँ पे प्लस एंड माइनस इसको हमने कैंसिल कर दिया. यहाँ पे बचा 11x. 46 में से -24 आपने किया तो बचा आपके पास 22. ओके, 11 से आपको इसको डिवाइड करना है. ठीक है, 11 आप कैंसिल कर दिया. 11 1 जा 11 11 2 जा 22. x = आपको क्या मिला, 2. सेम कंडीशन आप ये करोगे, यहाँ पे yx की जगह 2 लिखोगे, और आपको पता करना है कि RHS सेम है या नहीं है. तो RHS जो है क्या है, सेम है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 and 4 आपको सेम बनाने हैं. ओके, दिस इज़ योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 2x - 1 = 10 - x. आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2x - 2 1 जा 2 = 10 - x. ओके, फिर आप इसको ट्रांसपोर्ट कर लोगे. इट मींस आप एक्स वाले को एक साइड लिख लोगे, नंबर्स को आप एक साइड लिख लोगे. आपने ऐसा किया, 2x यहाँ पे -x है तो ये +x हो गया इधर आके, 10 यहाँ पे -2 है तो +2 हो गया. उसके बाद 2 और 1 को हमने प्लस किया तो 3x हो गया, = 10 + 2 = 12 हो गया. अब हमको क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है दोनों साइड में. हमने 3 को डिवाइड किया तो 3 कट गया, x = यहाँ पे बच गया 4. 12 by 3 = क्या हो गया, 3 1 जा 3 and 3 4 जा 12. तो x = क्या आ गया आपका आंसर, 4 आ गया. ओके, अब वेरिफिकेशन करोगे, LHS 2 4 - 1. ओके, ये आपको मिला 3. यहाँ पे 4 से -1 किया तो आपने मिला 3, एंड 2 into 3 = हो गया आपका 6. RHS आपका दिया है सेम उसी तरीके से, 10 - x, तो x की जगह आपको 4 रखना है, आपको मिला 6. आपको दिख रहा है कि LHS एंड RHS दोनों क्या है, सेम है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आप सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे. 7 देखिए. ओके, 5x + 1/2 = 8. यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले x वाले को एक साइड ले जाओगे. ठीक है, यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टिंग लिखोगे और ट्रांसपोर्ट कर दोगे, और ये +1/2 है तो आप क्या करोगे, -1/2. 5x = आपको पता है यहाँ पे क्या हो गया, ये 8/1 - 1/2. तो यहाँ पे आप क्या निकालोगे, LCM करोगे, तो LCM आपका क्या निकला, 2. आप इसको 2 करने के लिए तो 8 2 जा 16 - 1 हो गया ये. ओके, अब 5x = 15/2 हो गया. आप इसको भी इधर कर लिए 5 को, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा. तो यहाँ पे 5 1 जा 5 and 5 3 जा 15, तो क्या आ गया आपको, 3/2. ठीक है, उसके बाद आपको इसको क्या करना है, आपको वेरिफिकेशन करना है उसका. LHS आपको दिया है 5x प्लस
वन बाई टू, तो x की जगह में थ्री बाई टू को रखना है और आपको वेरिफिकेशन कर लेना है इज इक्वल टू एट। आपका आंसर है वो आया है वो करेक्ट है ओके, क्योंकि आपको इक्वल में एट दिया गया है ठीक है। सेवन आपको बनाना है सेम वैसे ही, एट आपको बनाना है वैसे ही, नाइन आपको बनाना है वैसे ही ठीक है। आपको मैं यहाँ पे टेन बता देती हूँ, एक सॉरी इलेवन बता रही हूँ मैं, टेन भी आपको वैसे ही बनाने हैं ओके। यहाँ पे इलेवन आपका दिया है एक्स माइनस सिक्स माइनस एक्स बाई फोर बाई सिक्स इज इक्वल टू वन बाई वन माइनस एक्स बाई टेन। यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, सिक्सटी से आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में ओके। ये आपको मेमोराइज़ करना पड़ेगा ओके, कि आपको इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने मल्टीप्लाई किया सब में, तो यहाँ पे आपने इसको क्रॉस क्रॉस कर दिया है, जो जिससे कैंसिल हुआ आपने इसको कैंसिल कर दिया है ओके। उसके बाद आपको मिला x माइनस सिक्स फिर 15 माइनस x माइनस फोर टेन इज इक्वल टू यहाँ पे 60 माइनस सिक्स एक्स ओके। यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर से आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे ओके। तो 15x और 15 सिक्स 90 फिर माइनस ये 10 को x से 10 को 4 से इज इक्वल 60 माइनस सिक्स एक्स ओके। फिर आप x x वाले को एक साइड ले आओगे और नंबर्स को एक साइड कर लोगे, फिर आप जब इसको कटाते हो तो आपको क्या मिलता है 10 मिलता है ओके। तो x इज इक्वल टू आपको जो 10 मिला है, आपको एल एच एस एंड आर एच एस आपको दोनों जगह रख के इसको देखने हैं ठीक है। x माइनस सिक्स बाई फोर माइनस एक्स माइनस सिक्स फोर बाई सिक्स दिया गया है, इसमें आप x की प्लेस पे 10 रखोगे और इसको आप सॉल्व करोगे ओके। तो आपको देखिए यहाँ पे जीरो एंड जीरो मिला, एल एच एस एंड आर एच एस जो है क्या है आपका इक्वल है ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें आपको सबसे पहले सेम आपको इसी में बनाना है ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे हमने इसको 60 में मल्टीप्लाई किया है, उसकी जगह आप क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 12 में 105 से मल्टीप्लाई करोगे ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप 12 से मल्टीप्लाई करके सेम आप उसी प्रोसेस में सॉल्व करोगे। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है 6 से मल्टीप्लाई करके सेम आप सॉल्व करोगे ओके 14 तक। उसके बाद 15 ये है आपका 4z माइनस 3 बाई 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 5z बाई माइनस 7 बाई 3 माइनस 4z माइनस 1 ओके। तो इसको आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो 1 है आप इसको इधर ले आओगे ठीक है। ये आपने सॉल्व किया ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका 12z ओके। यहाँ पे 12z एंड 5z है, तो आप 12 से 5 को जब माइनस करोगे तो 7z माइनस 7 आ जाएगा बाई 3 हो जाएगा। फिर इसको आप अल्टरनेट कर लोगे तो 3 को 4z माइनस 8 और 3 को आप प्लस करोगे, क्योंकि सेम जो सिंबल होता है उसको आप क्या करते हो प्लस कर देते हो है ना। इसलिए आप इसको क्या करोगे 11 करोगे, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ठीक है 4 को इधर माइनस 7z माइनस 7 से ओके। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो आपने मल्टीप्लाई किया उसके बाद जेड जेड को आपने एक साइड कर लिया, जेड वाले को और नंबर्स को आपने एक साइड कर लिया, फिर आपने उसको सॉल्व किया ठीक है। उसके बाद जब ये आपका आया उसके बाद आप क्या करोगे डिवाइडिंग बोथ 40 ओके, दोनों को 40 से आप डिवाइड करोगे तो 14z बाई 40 इज इक्वल 5 बाई 40, तो 40 कट गया और जेड इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 1/8। वेरिफिकेशन करोगे आप एल एच एस और आर एच एस को करके ओके, और आपका आंसर निकल जाएगा। आपको उसको चेक करना है, ये आपका सेल्फ आपको करना है ओके, ये आपका होमवर्क है आप इसको कंप्लीट करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.6x प्लस 0.8 इज इक्वल 0.28x प्लस 1.16। 0.6x एक्स वाले को आप एक साइड कर लोगे, नंबर्स वाले को आप एक साइड कर लोगे, फिर आप इसको माइनस करोगे तो ये आएगा ओके। उसके बाद आपको क्या करना है माइनस 0.32 से आपको दोनों साइड को डिवाइड करना है, तो ये जो कटा तो आपने इसको डिवाइड किया तो 1.125 जो है आपका आंसर आया। इसको आप वेरिफिकेशन करोगे सेम जो पहले किया है उसी की जैसे, यहाँ पे x की जगह पे आप 1.125 को रखोगे इसमें सबसे पहले एल एच एस में, फिर आर एच एस में रखोगे, देखोगे कि दोनों इक्वल आता है या नहीं, या आप अपने आप से सेल्फ करोगे ओके।
तो ये आपका होमवर्क है, 8.1 जो है कंप्लीट होता है। इसमें से जो क्वेश्चन मैंने आपको बना दिया है वो आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, एंड जो क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, आपको बताया गया है कि आपको सेम उसी प्रोसेस में बनाना है, तो आप उसको अपने घर पे करिएगा। ओके, वो आपका होमवर्क रहेगा और आप इसको जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करिए। कल के डेट में आप इसको कंप्लीट करके मेरे पास भेज दीजिए। ओके, व्हाट्सएप में आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए। अभी के लिए थैंक यू।